लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एस ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप डिसेबल फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों आपने लोगों को देखा होगा कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते। दोस्तों जब फेसबुक लिंक से आप हेल्प लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, वी कैन नॉट रिव्यू द डिसीजन टू डिसेबल यूअर अकाउंट। तो अकाउंट को आप लोगों ने कैसे रिकवर करना है, कौन से लिंक्स फेसबुक के काम करते हैं, हेल्प लिंक्स कौन से लिंक्स काम करते हैं, और फेसबुक से आप लोगों ने कैसे कॉन्टैक्ट करना है, अपनी आईडी को कैसे रिकवर करना है, मुकम्मल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट डेली करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अकाउंट चेक करा देता हूँ, यानी ये फेसबुक के लिंक से मैं हेल्प ले रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वी कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन की प्रॉब्लम आती है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और एक लिंक भी काम नहीं कर रहा अपने लोगों ने। फेसबुक अकाउंट कैसे रिकवर करना है, फेसबुक टीम से के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करना है, और कौन से लिंक्स काम कर रहे हैं फेसबुक के, पूरी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वी कैन नॉट रिव्यू डिसीजन टू डिसेबल यूर अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जीमेल पे मैसेज करना है फेसबुक टीम को, जिस ईमेल से करना है वो ईमेल मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, disablefb@support.facebook.com। यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखना है पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल। कंपोज ईमेल में आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। दोस्तों कौन से लिंक काम करते हैं, कौन से लिंक्स काम नहीं करते, पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों यहां से आप लोगों ने कॉपी कर देना है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन से आप लोगों ने कॉपी करना है और यहां पे आप लोगों ने कर देना है उसको पेस्ट। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे लास्ट में थैंक्स फेसबुक टीम लिख के ईमेल एंटर करना है। दोस्तों जिस ईमेल पे आप लोगों को रिप्लाई आए ये ज़रूर इंटर करना है दोस्तों, ताकि आप लोगों को रिप्लाई आए फेसबुक टीम की तरफ से। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने आईडी कार्ड और स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा फेसबुक टीम को। तो ये मेरा मैसेज सेंड हो गया फेसबुक टीम को, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैं जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा तो यह सेंड पे जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर आया हुआ है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मेरा मैसेज सेंड हो गया फेसबुक टीम। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप लोगों ने गूगल क्रोम में पेस्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आई कैन नॉट असेस माई फेसबुक अकाउंट, माय अकाउंट हैज बी सस्पेंडेड। यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम एंटर करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ईमेल एड्रेस देना है, दोबारा वही ईमेल एड्रेस आई एग्री पे टिक कर देना है और सेंड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा आप लोगों ने फिल करना है। बहुत ही आसान और ईजी ट्रिक है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लिंक काम कर रहा है दोस्तों, इसके अलावा और कोई लिंक काम नहीं कर रहा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट इस लिंक से सेंड कर सकते हैं फेसबुक टीम को। तो ये मेरी रिक्वेस्ट फेसबुक टीम को सबमिट हो गई है। मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि मुझे मैसेज आ चुका है फेसबुक टीम की तरफ से, ये देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं अपने 24 घंटों बाद अपनी आईडी ओपन करूँगा, ये मैसेज दोबारा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने 24 घंटों बाद अपनी आईडी ओपन करनी है। तो ये मेरी आईडी ओपन होगी, उम्मीद करता हूँ हम लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।